नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। खंडवा, राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा 11वीं बरसी पर आतंकी हमले में शहीद हुए वीरों के परिजनों को श्रीफल और सॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देवी माता रानी महाकाली के अन्य भक्त और उनके उपासक कालीचरण ने भी खंडवा नगर के बड़ा बम चौराहे पर पहुंचकर आतंकवाद के खिलाफ संबोधन किया। इस अवसर पर मशाल मार्च का आयोजन भी किया गया, जिसमें महाकाली के भक्त संत कालीचरण द्वारा अगवानी की गई। उनके साथ शहीद हुए ATS जवान सीताराम यादव की पत्नी श्रीमती ज्योति यादव, अधिवक्ता संजय पाल की पत्नी श्रीमती जयश्री पाल और बैंक प्रबंधन रवि शंकर के सुपुत्र अंकित पारे सहित राष्ट्रभक्त युवा मंच के संरक्षक अशोक पालीवाल, अमित जैन, माधव झा, कौशल मेहरा सहित भारी मात्रा में महिला और पुरुषों द्वारा COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए मशाल मार्च निकाला गया। तीन पुलिया रेलवे स्टेशन मार्ग, बॉम्बे बाजार, घंटाघर, नगर निगम तिराहे चौराहे होते हुए पड़ावा के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में समाप्त हुआ। महाराज जी सॉल शिविर से शहीद परिवारों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमती यादव जी के परिवार, श्रीमती यादव जी हैं, श्रीमती पाल जी हैं, श्रीमती पारे जी हैं। महाराज जी उनका सॉल शिविर से सम्मान कर रहे हैं। सभी राष्ट्रभक्तों से निवेदन है कि उचित दूरी बनाकर रखें, मास्क अपने अपने लगाकर रखें। बिना मास्क के कोई भी उपस्थित नहीं रहेगा। आज का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पूर्ण होगा। टीवी मीडिया कर्मी हमारे जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़िए और हिंदुत्व जोड़िए, जिससे राष्ट्र का संरक्षण होगा और हिंदुओं को एकजुट होकर वोटिंग करना चाहिए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस एजेंडे के तहत। पालन करे, अनुशासन का पालन करे, दूरी बनाए के भी। खंडवा से खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शुभम लाड़ के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चाबरी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।